हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित, आप करें बिजी गेमर। तो गाइस वापस आ गए एक न्यू ट्यूटोरियल। आज कोई गेम प्ले होने वाला है भाई। आपने एकदम बराबर देखा है, टाइटल भी और थंबनेल भी, इसलिए तो आपने क्लिक किया है। तो गाइस ये वाला जो गेम प्ले होने वाला है भाई, एकदम ही कमाल होने वाला है, क्योंकि शायद आपने ये जो चीज थी गेम प्ले में, शायद आपने कभी देखी भी होगी और सुनी भी होगी शायद ही। तो यहाँ पे फिलहाल तो आगे बहुत सारे बंदे हैं जिनको हमें फटाफट से मारना है। और भाई रोजक में ही एक सीन होता है और भाई अपार्टमेंट में एक सीन होता है, जो कि आपको देखना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे मेरा पार्टनर रोक ठोक के जाता है ऊपर कि मैं उसे मार दूंगा, और भाई मेरा पार्टनर यहाँ पे ठुक जाता है, तो मैं उसको ठोक देता हूँ शॉटगन से। मैंने बोला था उसको ऊपर मत जा, ऊपर एक दो बंदे हैं, पर यार मेरी कौन सुनता है। और ये बंदा तो भाई बिल्कुल भी नहीं सुनता है, क्योंकि भाई ये बंदा है अलग ही अपने नशे में होता है। तो वेल गाइस यहाँ पे मैंने इस बंदे को मार दिया है, और उसका जो दूसरा पार्टनर था वो वहाँ से भाग गया था, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं होगा तो भाग गया होगा, क्या ही कर सकते। ऑलराइट, मैंने इसको इतना ज्यादा डैमेज दिया, बट यार इसको एक भी गोली नहीं लगी, बट एक हेड लगी। और आई थिंक तो ये 1 HP या मतलब हो सकता है कितना भी HP, बट हाँ इसको मेरे को जल्दी से जल्दी निपटाना था, क्योंकि ये वाला बंदा काफी ज्यादा खतरा बन सकता है। तो गाइस यहाँ पे जो भी हुआ ना, प्लीज आप देखो मत, क्योंकि यहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बंदा नीचे आएगा मेरे को मारने के लिए, और मेरे को लगा कि बंदा ऊपर हिल मार रहा होगा, पर ये तो भाई अलग ही ठाट में था। अपने नीचे मेरे को मारने के लिए आया नीचे सीधा, और यहाँ पे मैंने क्या बोला, इग्नोर करो बस, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बंदा भी मेरा पार्टनर भी जंप मार रहा था, मैं भी मार रहा था, और यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच हो गया था। यार क्या क्या हो रहा है BGMI, कभी बंदा इनविजिबल हो रहा है, कभी बंदा टेलीपोर्ट हो रहा है, कहीं बंदा स्पॉन हो रहा है, भाई मतलब BGMI का वही अलग ही नशे चालू है। बाय दिन तो रात की घड़ी खत्म हो जाती है, और आपको अभी दिखाऊंगा मैं इनविजिबल मैच। पीछे देखो, पीछे। सब क्या देखना पड़ रहा है। तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ नहीं पता, मैंने इतना ज्यादा डैमेज लिया भी और दिया भी, पर यार एक किल नहीं मिला यहाँ पे। भगवान कहाँ है तू। बात आई किल की, तो इसी चुमू ने मेरा किल चुराया था। और यार ये जो ग्लिच था ना, इतना ज्यादा बकलट क्यों था मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब अबे यार बस हेलमेट और वेस्ट दिख रहा था बंदे का, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था कि बंदा आसपास ही है, डैमेज भी भरपूर मिल रहा है, तो बंदा है कहाँ पे। इसी चक्कर में मैं अभी टपकने वाला था, परलोक जाने वाला था, भगवान की कृपा से यहाँ पे मैं बच गया। तो भाई छोड़ो, यहाँ पे मतलब अलग ही सीन होता है, और बाद में आगे वाले में भी यही सीन होने वाला है, बट यार आगे वाले में देखा जाएगा। अभी अभी बता दूंगा तो कोई मजा नहीं रहेगा, तो लास्ट तक वीडियो देखो, और हो सके तो यार इस दयावान मतलब थोड़ी सी दया आ रही हो तो लाइक भी कर दो, और थोड़ी सी ज्यादा ही दया आ रही है तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज, अच्छा होता है। तो आगे बंदे है ये मेरे को पता था, पर बंदे कहाँ पे है ये नहीं पता था, और मेरे को थोड़ी सी झलक उसकी दिखाई दी थी, और अभी झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, ये तो होगा ही, क्योंकि अभी झलक दिखी है तो अभी होगा ही। भाई इसका जो पार्टनर था वो तो भाई बचने के पूरे चांस ले रहा था, मतलब बचना ही था ऐसा वो खुद को कह रहा था, पर भाई ओपन में था और भाई का स्कोप एक बार खुल गया तो भाई मतलब अच्छे अच्छे मर जाते हैं। ये तो भाई पिद्दी था मेरे लिए, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यार तो मैं खुद की तारीफ भी कर रहा हूँ नहीं भी, तो ठीक है यहाँ पे तो ठीक है, पर आगे वाले घर में भी बहुत सारे बंदे हैं, और देखो यहाँ पे क्या ही सीन होता है भाई। सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ही।
मतलब कुछ भी। यहाँ पे पूरी की पूरी गोलियां मिस हो जाती है, पर एक लास्ट वाली गोली उसकी हेड पे लगती है और यहाँ पे एक बंदा मार देता है। और एक बंदा मारने के बाद क्या होना था, सीधा रश मारेंगे और मेरे को लगा कि बंदा रिवाइव करेगा, पर ना 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 ना, बंदा रिवाइव नहीं करता, बंदा तो बहुत चालू निकलता है, बंदा तो भाई मारने की तैयारी में था। यस, ऐसे कैंप, ऐसे निप्पू कैंप नहीं जमते यार, अच्छे खासे कैंप करने चाहिए, नेट डालना चाहिए, मूली डालनी चाहिए, तब जाके मेरे जैसे बंदे मर सकते हैं, पर ऐसा कैंप। बट हाँ, ऐसी सिचुएशन में भाई कुछ भी मतलब ध्यान में रखता है, बंदा अपना एक नॉक पड़ा है, चिल्ला रहा है रिवाइव दे, और भाई मैं क्या करूँगा, कुछ भी समझ में नहीं आता इस सिचुएशन में। ये तो भाई आगे वाली सिचुएशन मतलब आने वाली है मेरे ऊपर, तो ये चीज़ सेम टू सेम मेरे साथ भी होने वाली है, क्योंकि मेरा पार्टनर नॉक पड़ा था। और ये तो मतलब मैं आगे बताऊंगा तो भाई गेम प्ले बनाने का मजा है पूरा किरकिरा हो जाएगा, तो नहीं बताऊंगा मैं। और आगे बंदे हैं ऐसे मेरे पार्टनर ने कहा था, पर मेरे को नहीं लगता कि आगे बंदे है, एक ही तो रहा था, पर मेरे को नहीं लगता। हाँ, तो हम होले होले जा ही रहे थे अपार्टमेंट की तरफ, तभी मुझे बंदा दिखाई देता है। यहाँ पे डर उस बात का नहीं था कि बंदा मुझे मारेगा, डर इस बात का था क्योंकि मैं डेंजर जोन में था, और हमारा नसीब इतना ज्यादा खराब होता है कि हमारे ऊपर आग का गोला हमारे ऊपर गिरना होता है। ये तो भाई नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये मेरे साथ काफी टाइम हो चुका है, मतलब काफी बार हो चुका है, बस ये तो भाई नॉर्मल चीज है मेरे लिए, क्योंकि आग का गोला मेरे ऊपर गिरना। तो यहाँ पे लूट फटाफट से करते और निकलते हैं यहाँ से। तो मैं आजू बाजू में देख ही रहा था कि आसपास कहीं पे बंदे है या नहीं है, तभी मेरे को मेरे स्कूल मेरे ही नहीं मतलब हाँ स्कूल अपार्टमेंट से ही फायरिंग की आवाज़ आती है। और भाई फायरिंग की आवाज़ जैसे आई तो भाई जैसे आएंगी वैसे हम भागते हुए चले जाएंगे उसके पास उसको मारने के लिए। तो यहाँ पे मेरा प्लान था कि पहले बंदे की एकदम एक्यूरेट लोकेशन निकालेंगे, बंदा कहाँ पे कैंप कर रहा है, पर मेरा पार्टनर थोड़ी ना मारने वाला, सीधा रश मार दिया और मैंने भी फिर मार दिया रश। जब भी मैंने फायरिंग रोकी थी तभी बंदा मर जाना चाहिए था, पर बंदा कैसे नहीं मरा मेरे को समझ में नहीं है, पर फिलहाल तो बंदा मर चुका है। और अभी यहाँ पे सारे बंदे खत्म हो चुके हैं और अभी जाएंगे अपार्टमेंट की तरफ, और यहाँ पे भाई अलग ही सीन होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि अपार्टमेंट जाने वाला था मैं, पर नहीं, अपार्टमेंट में गया था बट यार अपार्टमेंट में कोई नहीं था। और भाई जैसे ही कोई नहीं था हम रुक के क्या करेंगे, हमें ड्रॉप दिखा, हम ड्रॉप का पीछा करने वाले थे, और मेरा जो पार्टनर था सीधा ड्रॉप के नीचे गाड़ी डालने वाला था। और मेरे को लगता है कि अगर ड्रॉप के नीचे कोई आ गया तो हिल डुल नहीं सकता, मैंने यहाँ पे कहीं पे सुना था और देखा भी था। तो यहाँ से निकलते किसी और नई जगह पे और बंदे ढूंढते, अभी क्या ही काम है हमें। यहाँ पे एक ड्रॉप गिरने वाला था और मैं अपने पार्टनर से एक ही सवाल पूछ रहा था, भाई बता मेरे को लोकेशन क्या है ड्रॉप की, पर मेरा बंदा तो भाई बोलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और मैं गुस्से में आके यहीं पे गाड़ी छोड़ दिया और यहाँ पे बंदे आते हैं। तो भाई यहाँ पे मेरा टेंशन अलग ही था, और भाई टेंशन थोड़ा सा अलग ही आ गया था, मेरे को समझ में नहीं आया यहाँ पे हुआ क्या। थोड़ी देर के लिए बंदे आ गए और बंदे आ गए तो मेरे पार्टनर ने भी थोड़ा बहुत डैमेज दिया उसको, ड्राइवर को मैंने मारा, उसके बाद हाँ ड्राइवर मर गया, तो भाई अंदर जो बेटे हैं वो क्यों नहीं मर गए, वो भी मर गए। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, ड्रॉप लूटेंगे और निकलते भाई यहाँ से। अभी गाइस हमारी जो KTM है, KTM को उठा के हम उस पर बैठ के अभी जा रहे हैं फुल रफ्तार में अपार्टमेंट की तरफ, और देखते हैं कि अपार्टमेंट में क्या ही हलचल हो रही है। चलिए, तो आपको बताया हम अपार्टमेंट में आ गए हैं, हमको बताया हम अपार्टमेंट में आ गए हैं, बंदों को भी बताया हम अपार्टमेंट में आ गए, पर हमें नहीं पता था कि बंदे अपार्टमेंट में हैं। आगे वाले घर में बंदे, दो बंदे कैंप कर रहे थे और हमें पता नहीं था। पता चला जब यहाँ पे हमने गाड़ी देखी, ठीक है, यहाँ पे हमने गाड़ी देखी और हमें थोड़ा सा डाउट आ गया कि भाई हाँ यहाँ पे बंदा हो सकता है। तो भगवान का दिया हुआ दौलत नहीं थी, शोहरत नहीं थी, पर दिमाग था थोड़ा सा। उस दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मैंने सामने वाली बिल्डिंग पे जंप मारा, ये देखने के लिए कि मेरे को लगा कि आगे बंदे होंगे, ये देखने के लिए मैंने जंप मारी, तो देखो क्या होता है आगे। यहाँ पे मैं वापस अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा था, पर मैं भूल गया था कि मेरे पास इतना भी दिमाग नहीं है जितना मैंने सोचा था। मेरे को यहाँ पे फुटस्टेप आ जाते हैं और वो भी फुटस्टेप एकदम क्लियर आ जाते हैं, और मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे बंदा है। और मैंने अपने जल्दी से जल्दी मेरे पार्टनर को बुला लिया और अभी आए और रश मारने की तैयारी चालू थी हमारी।
तो हम एक चीज भूल रहे थे कि बंदा है, मतलब हमें फुर्सत तो एक ही आया था, तो बंदा है ये जरूर पता था, पर बंदे दो है ये नहीं पता था हमें, और इसी की वजह से यहाँ पे क्या ही होता है। देखो करा, और नॉक करने के बाद इनविजिबल मैन ने मेरे ऊपर गोली फेंकी, गोली फेंकने के बाद मैंने सीधा रश मारा, रश मारने के बाद मैं जल के राख हो रहा था। मेरे पार्टनर को मैंने कहा था कि भाई आग लगी हुई है, उसने गोली फेंकी मत आ, बट वो आया और भाई हम दोनों वहाँ पे राख पेटी बन गई थी हमारी। भगवान करे ऐसा किसी के साथ भी ना हो। गाइस ये सब चीजें तो चलते रहेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करो, मेरे लिए लाइक मत करो, बट इनविजिबल मैन के लिए तो लाइक बनता है, क्योंकि भाई ये जो ग्लिच था इसने परेशान करके रखा था, और भाई मतलब मजा आया, मेरे को भी काफी ज्यादा मजा आया, आपको मजा आया तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब, बस हो गया, बाय बाय।